एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के बाद से बंद अंबाला कटरा वैष्णो देवी बस सेवा को एक बार फिर बहाल कर दिया गया है। इस सेवा के बहाल होने से अंबाला वासियों को राहत मिली है और रोडवेज को भी अच्छा खासा फायदा इससे होगा। अंबाला कैंट बस अड्डा इंचार्ज का इस बारे में कहना है कि कोरोना काल से अंबाला से कटरा जाने वाली बस सेवा सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दी गई थी। यात्रियों की इस बस सेवा को चलाने की कई बार मांग भी की गई, जिसे लेकर अब कोरोना संक्रमण की समाप्ति के बाद अंबाला परिवहन डिपो के महाप्रबंधक ने इस बस सेवा को दोबारा बहाल करने का फैसला लिया है। अनिल कुमार जी, हमारी गाड़ी यहां से अंबाला से जम्मू और जम्मू से कटरा जा रही है। ये कोरोना काल में बंद कर दी गई थी, जो ये सर्विस अब पुनः शुरुआत की गई है। इससे सवारियों को भी बड़ी राहत मिली है। हमने कोरोना काल के बाद कटरा के लिए बस शुरू कर दी है। पहले दिल्ली से तो आती थी दूसरे डिपो की, अब हमने हमारे अंबाला डिपो की बस यहाँ से कटरा के लिए शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों को तो फायदा होगा, साथ में विभाग को भी आर्थिक फायदा होगा।